हेलो एवरीवन, आई एम शौरिकांत साहू। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यंग कंपनी का बैडमिंटन रैकेट जो कि है विंग लाइट 73। तो गाइज, यंग एक मलेशियन ब्रांड है जो 25 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो चलिए मैं आप इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा इसका लुक है, काफ़ी शाइन करा और साथ साथ काफ़ी सारे पैटर्न हमें इस रैकेट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको टोटल 4 कलर में देखने को मिल जाता है। तो जो मेरे पास है वो गोल्ड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। हेडशिप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशिप देता है जैसे कि आप देख सकते हो। साथ ही साथ बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 30 mm जो कि एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट उसके हेड पे है। साथ ही बॉडी मटेरियल की बात करें कि जिस मटेरियल से बना है वो है 30 टन ग्रेड अल्ट्रा मॉडुलस ग्रेफाइट से बना है, जो रैकेट को देता है ड्यूरेबिलिटी एंड विथस्टैंड विथ हाई टेंशन। टेंशन की वहीं बात कर ले तो मैक्सिमम आप इसमें 30 lbs तक लगा सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ कंपनी दावा करती है कि आप इसमें 32 lbs तक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि आप 28 lbs से कम लगाए तो वो बेटर रहेगा। साथ ही साथ फ्रेम की बात करें तो एरोडायनामिक फ्रेम मिलता है एंड लो एयर ड्रैग कोफिशिएंट जो आपके एयर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे आपको बेटर स्विंग स्पीड देखने को मिलता है इस रैकेट में। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि नैनो कार्बन ट्यूब जो आपके इंक्रीज करता है कंट्रोल एंड पावर को जब आप शटल को हिट करते हो। शाफ्ट की बात कर ले तो माइल्ड स्लिम शाफ्ट है जिसका डायमीटर 6.6 mm है। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है। ग्रिप साइज G4 एंड ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट इज 73 ग्राम, जो कि काफ़ी लाइट हमको देखने को मिल जाता है। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात कर ले तो आपको 1999 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो गाइज, ये रैकेट ऑलमोस्ट सिमिलर है यूनेक्स एस्ट्रॉक स्मैश से, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर है। साथ ही साथ इसकी जो टेंशन है हमें 30 lbs देखने को मिलते हैं, वहीं एस्ट्रो स्मैश का 28 lbs है। तो गाइस चलिए मैं इस रैकेट को टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, थोड़ा खेल लेता हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा आगे मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो गाइस इस रैकेट को खेलने के बाद अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस रैकेट में 28 lbs लगाया था और साथ ही साथ इस रैकेट का मैं आपको 4 एडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो डिफेंस है, ठीक है, इस रैकेट का जो डिफेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जो डिफेंसिव प्लेयर है उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रैकेट रहेगा। साथ ही साथ जो रैकेट का स्विंग स्पीड है वो भी मुझे काफ़ी फास्ट मिला।
और जो डबल्स में फ्रंट प्लेयर है जो जिनको काफ़ी कंट्रोल गेम खेलना पसंद है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रैकेट रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा इस रैकेट में। साथ ही साथ जो रैकेट का जो टैप है, मुझे जो पंच मिला ठीक है, वो भी मुझे अच्छा मिला एज़ कम्पेयर टू इस रेंज के रैकेट में। साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, लाइट वेट होने के कारण आपको जब पावरफुल शॉट खेलोगे, शॉट लाइक स्मैशेज एंड क्लियर टॉसेज, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो बस यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी इस ये रैकेट अच्छा है। अगर आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी टेक्निक है, तो ये रैकेट सही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप फिर ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।